दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत बरगवां में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा का भंडार कोरेक्स की जब्ती की गई है। साथ ही कारोबारी सुदामा जायसवाल, शैलेंद्र सिंह, गोलू योगेंद्र वेश, अंगेश विश्वकर्मा उर्फ दाऊ को बाइक सहित गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही का खुलासा करते हुए एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि टीआई मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्यवाही की गई थी। उसमें 1,30,000 कीमती 360 सीसीसी प्रतिबंधित कॉरेक्स सिरप के साथ एक बड़े तस्कर सहित 4 कारोबारी पकड़े गए हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि एएसपी प्रदीप शेंदे व एसडीओपी नीरज नामदेव के सतत देखरेख में कार्यवाही की गई है। दवा के नाम पर नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कॉरेक्स सप्लाई करने आए कारोबारियों को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5B-13 दर्ज कर कार्यवाही जारी है। इस कार्यवाही में एसआई बालेंद्र त्यागी, एएसआई आरके त्रिपाठी, वाईएल वर्मा, प्रधान आरक्षक अरविंद चतुर्वेदी, संजय सिंह, संतोष सिंह, उमेश अग्निहोत्री, आरक्षक संजय सिंह परिहार, रमेश प्रसाद, धर्मेंद्र गणेश, आशीष पंकज, सुरेंद्र लक्ष्मीकांत, विकेश आदि शामिल थे। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।